हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, लेकर आया हूं आपके लिए DOE की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम। और इसी मार्किंग स्कीम से आपके फाइनल मार्क्स लगते हैं। प्री बोर्ड का है और पेपर आज 10th का स्टैंडर्ड मैथ, मॉर्निंग शिफ्ट का है। 28 अक्टूबर को ये पेपर हुआ था। तो चलिए अपने फाइनल मार्क्स चेक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पर सेक्शन आप आंसर एक एक करके आप मैच करते जाइए। मैं आपको डायरेक्टली आंसर ऑप्शन के साथ बताता हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का है। पहले प्रश्न का ऑप्शन डी था, दूसरे का सी है, तीसरे का ए और चौथे का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवे की बात करते तो सी 9 ऑप्शन सही है, छठे का सी है और सातवें का बी, आठवें का डी, नौवें का ए और 10th का बी ऑप्शन सही है। अपने आंसर मैच करते जाइए आंसर की के साथ। साथ ही 11th की बात करें तो सी यानी कि 1 ऑप्शन सही था और 12वें का बी अगला ऑप्शन आपके सवाल है, 13 का सी है, 14 का डी है, बी सॉरी 15वें का ए ऑप्शन 0 और 16 का ए रैशनल नंबर। अगला आपका है 17 का सी ऑप्शन है 21 सेंटीमीटर, 18 का सी है 1:3 और 19 की बात करें तो डी ऑप्शन सही है 25 यूनिट्स। उसके बाद बी की बात करें तो 20 की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ और सेक्शन बी में आपका पहला सवाल 21 में सी ऑप्शन 4 प्लेस। 22वें सवाल का पहला यानी कि बी ऑप्शन सही है, 23वें का भी बी सही है और 24 की बात करें तो 24 आपका ए ऑप्शन सही है, 25 का डी, 26 का सी और 27 का बी ऑप्शन सही है। मैच करते जाइए और कितने आंसर इसी के अकॉर्डिंग आपके फाइनल मार्क्स लगेंगे। 28 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट के साथ साथ 29, तो 29वां आपका 29 का ए है, 30 का सी, 31 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करते हैं 31B, 32D, 33 का सी, 34 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है और उसी के साथ ही 35 भी सी है, 36 का बी है, 37 का डी, 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं और 39 का भी डी सही है, 40 का सी ऑप्शन सही है और 41 की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन अमर के साथ सेक्शन सी आपका आ जाता है और ये केस स्टडी के सवाल है। 42 का डी ऑप्शन सही है, नेवर, 43 का सी ऑप्शन सही है, मारिया और 44 में अगर हम बात करें तो 44 का ए ऑप्शन सही है, अमर एंड अकबर विल मीट ऑन 15th stair। उसके साथ ही अगला हमारा दूसरा 45 का सी, 46 डी ऑप्शन सही है जो कि आपका जो केस स्टडी है नंबर 2 आपका स्टार्ट हो जाता है, 47 का ए सही है, 48 का भी ए सही है अंडर रूट 37 यूनिट। उसके बाद 49 की बात करें तो सी है और 50 की बात करें तो बी सही है। तो ये है ऑफिशियल आंसर की। तो कितने आपके पहले आंसर बन रहे थे और अब आपके कितने बदल गए हैं, यानी कि पहले आपके कितने बन रहे थे और अब आपके कितने घटे हैं, कितने बढ़े हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।